हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, मस्त हो, मजे में हो, बढ़िया हो, एकदम हो। तो मेरा हो गया काम। चल, क्या काम है? ये बलून्स मेरे को फुका के रखने हैं। क्यों फुका रहे? क्योंकि है इनके शोहर का बर्थडे, जो है सकलेन का बर्थडे है। अब देख शोहर बोली तो अभी फिलहाल मैं अकेली कर रही हूँ, मम्मी नानी क्या गई है। तो इसको रखते हैं यहाँ पे और बलून जो है वो फुलाना स्टार्ट कर दिया। ना मैंने कैमरा साफ देखो, हाथ नहीं आएगा तेरा। आया उंगली आई। मेरे को पता है बलून फुलाने बहुत डर लगता है, फूल जाता ना तो फिर ओ वाला सीन आता है। तो इसलिए मैं पीछे का गैप बहुत ज्यादा रखती हूँ। और सकलेन मेरे आमने सामने ही घूम रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सरप्राइज है उसके लिए। ऐसा उसको पता है, अभी सबको भी पता है मेरा बलून बाहर जा रहा है। अभी हमारे घर पे सबको पता है कि बर्थडे आ रहा है। तो ये अब डेकोरेट करना, लगा ना दीवार पे जब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 30 मिनट ही बचा है। पा तो 100 रुपये लिया बता। रूफ चाहिए मेरे को, पूरा निकाल। कुछ और लिया चेक करूँ ना, रुक। हाँ पानी के सामने लग गया, बोलना कितना लिया? 500 भी लिया ना? मेरे से कुछ बात नहीं हुआ, मेरे को छोड़ी मैं कुछ यार ये पैसे लिया। मैंने तुम्हें काउंटिंग रखी थी, तुम्हें बाद में काउंट करूँ। आई हैव काउंटिंग, डोंट वरी। मेरे पास 600 हो गया था, नहीं आया। 600 है? अकाउंट में मूव करना पड़ेगा ना, वो भी काउंट कर लूंगी। मुझे पता था ना कितने पैसे थे मेरे, तो मैं लेके आई ना वहाँ से पैसा। 600 रुपए लेके? 600 रुपए? 600 थोड़ी लिया रे बाबू, 100 रुपए ही लिया। आपने तो ऐसे छुपा छुपा के लिया। क्या लिए? छुपा छुपा के। क्या छुपा छुपा? एनीवेज, तो ये पहला बलून वाला काम हम लोग खत्म करते और मेरे पैसे पे डिस्कशन होता रहेगा, ठीक है? और बाकी फिर डेकोरेशन करती हूँ तो मैं मिलती हूँ। देखो ना इसमें कुछ तो है, जब मैं फूक मारूं तो कैसा हो रहा है। अब बाबा खेल रहे गिलहरी के साथ। खेलते हैं वो भाग जाती है अंदर, बाहर आ रही है बलून से मार रहे, वो भाग जा रही है अंदर, छुप गई। गुल्ला हमारे पास हैप्पी बर्थडे जो लिखा है पहले से, इसको लगाना है। इसको अभी अच्छे से सेट करके यहाँ पे लगा, मैंने एक बलून लगा चुकी हूँ। तो मैं बाकी के बलून लगाने के लिए मुझे कैमरा अच्छे से रखना पड़ेगा पहले। ओके अभी हमारी लाइफ है ऐसी चंबल। अभी हमें इसमें से निकालना है हैप्पी और इसमें से निकालना है बर्थडे। हैप्पी निकालने के लिए हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होना चाहिए। और ये जो ज्ञान ये जो दे रही है ये बिल्कुल यूज़लेस है। बर्थडे में वाई निकल गया, बड्डा हो गया है तो नहीं बे किसी और का निकाल बड्डा। अरे बाप अरे भाई का बर्थडे नहीं मनाएंगे, शोहर का बर्थडे है, शोहर का बर्थडे है। चलो शोहर का बर्थडे पकड़ो, वहां से बर्थडे पकड़ो, हैप्पी मेरी लाइफ में आएगा। अच्छा एक ही तो वाशिंग मम्मा वो घूमने से डर रहा है, मैं उसे कौन ये बात में डेकोरेशन के हमने
टेप निकालेंगे? नहीं यार, इधर नहीं लगा सकती, लगा दो क्या? घूमता पड़ेगा तो क्या कर चले जाते हैं? इज रॉन्ग विद हैप्पी, लग जाएगा आपका। आप पहले ये देखो, ये एंड एंड टू एंड लगाओ ना। हाँ, तो यहाँ पे पानी का वगैरह कुछ, ये देखो लाइट का, ठीक है, और नीचे रखना पड़ेगा, और नीचे लेना पड़ेगा, और नीचे और नीचे देखो बलून। आप थोड़ा सा वो दो ना, मेरे को बलून। अरे बलून छुप जाएगा। नहीं है सकले, नहीं है। अरे हम लोग कहीं और लगाएंगे। नहीं है, नीचे लगा। नहीं, अफशा है, अफशा है। इमान बलून, बलून ले लो, सकले नहीं है, उसको भी नीचे ले। नहीं नहीं ले, आप आओगे तब बोलो। बाद में उसके बर्थडे के बाद मिलेंगे, बोले केक खाने के बाद नहीं बोले। बोन यहाँ लगाओ, चला 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 चला, मेरा वापस गिर गया, चला चला चला, गाना चल रहा है, कैंडल और छुरी साथ नहीं है। स्ट्रगल इज हियर, अब भाई स्ट्रगलिंग रियली, गाना कनेक्ट करने के लिए बीच में रखने हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी 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 मी, आपका वो जी लगाने के लिए कुछ लिखने के लिए बोल दिया यार। आगाओ, मेरे किसी ने कुछ नहीं बोला लिखने के लिए, आगाओ मम्मी का बोल दिया, आगाओ लिखवाने, तो मैं लिख सकती हूँ आगाओ। कूल हो गया, एवरीथिंग इज रेडी इन जस्ट 1 मिनट। ये था 1 मिनट का डेकोरेशन, सबसे इजी और शॉर्टेस्ट डेकोरेशन हमसे सीखी है, मेरे से और माहिन से। सो यहाँ पे मेरे डैडी स्ट्रगल करते हुए, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज पीछे गाना भी बज रहा है और वो ट्राई कर रहे हैं कि बड़े स्पीकर में कनेक्ट हो जाए ताकि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आए। तो देखो उनकी मेहनत कितनी क्या है, एक्साइटेड है, हम लोग से ज़्यादा तो मेरे अब्बा हमें एक्साइटेड दिख रहे हैं, पर कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेंगे और वो चालू करके ही छोड़ेंगे फॉर श्योर, इतना लिख के ले लो। तो यहाँ पे फिर से हमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज गाना है प्ले कर दिया है पीछे, तो एज़ यूजल हैप्पी बर्थडे है, खुद ही गाना पड़ रहा है क्योंकि वो गाने में इतना मिक्स हो गया कि आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करके थोड़ा म्यूट करके मैं ये करवा रही हूँ इसको। जाने का मैं एंड करूँगी मम्मी ना, इसके बाद फिर तुम कंटिन्यू करना, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं सकलिंग की बर्थडे डिनर पे, जो ट्रीट है हमारी वो है माहिन की तरफ से, तो माहिन सकलिन एंड माहिन की तरफ से, बट माहिन बोली खाना सकलिन चूज़ करेगा, पैसा माहिन देगी, ऐसा डिसाइड हुआ है। वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, तो ये डिसाइड हुआ है लोग का। नहीं नहीं यही बात हुई ना अब्बा, अब्बा ने हाँ बोल दिए, वही बात हुई है। तो सब हो गए रेडी, मम्मी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, रेडी रेडी, अब्बा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, किधर के अब्बा, अब्बा 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 यहाँ पे अब्बा रेडी होके बैठ चुके हैं, और बेटी जैन तो काम पे है। सो अभी मैं ये वाला व्लॉग यहीं एंड करूँगी, और इसके बाद का आगे जो हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, मुंबई दरबार जा रहे हैं, माहिम में है ना, दिल्ली से।
मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहा है, तो है। प्लान किसने बनाया हुआ और प्लान किसने बनाया वही नहीं पता। अरे मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुंबई दरबार की रेटिंग अच्छी नहीं है, दिल्ली से अगर अच्छी है। जाफर भाई दिल्ली दरबार वो वाला जाफर भाई माइम वाला कि अंधेरी वाला बैंड्रा वाला कौन सा वाला नहीं। हाँ मतलब पहला स्टार्ट होता ना पुतला वो शेर का वो बना हुआ है वहाँ पे, ये शेर बना शेर माहिम में शेर बना हुआ है, शेर इतना बड़ा शेर का पुतला है। हाँ देवी तेरा नाम आ गया वो लॉग में, ठीक है तो सुनना खुश हो जाना, ठीक है समझ गया ना। तो आप पहले ये है, अरे बाप रे अब्बा का तो रियाज होटल से खत्म ही नहीं होता है, बस रियाज होटल कल तो मंगाए भी थे 400 रुपए में बन जाता सबका, यहाँ पे 4000 होगा माइन दे रही अब्बा। चलो चुपचाप 400 मत देखो, 4000 देखो। मेरे को बोलते तेरा नाम आया कि अफ्चा देंगी, मैं बोली मेरा नाम नहीं, मेरे को माहिम का नाम आया, मैं माहिम देगी। सकलिन का नाम तो लेना, जिसका बर्थडे उसका तो नाम ही नहीं आ रहा कि वो देगा। सकलिन को गिफ्ट क्या मिला भाई तुम्हें? अरे अरे बेचारा, वक्त के साथ साथ गिफ्ट भी खत्म हो जाते हैं पता है। कोई नहीं, मैंने तो सुनी हुआ, अरे आईफोन अब 28 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, 28 को लॉन्च हो रहा है, तो मतलब मेरे पास आए तक 15 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, मेरे पास 3-4 चीज़ें भी आ रही है ना अमित, 15 अक्टूबर पर आ रही ना मेरी बाकी चीज़ें, 15 अक्टूबर तक आ जाएगी ना इंशाल्लाह। तो देखो अक्टूबर हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। सो चलो ये वाला व्लॉग हम यही एंड करते हैं और हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आगे क्या किधर कहाँ जा रहे हो आप मम्मी के व्लॉग में देखिए, बहन के व्लॉग में देखिए। सो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना।